children, good morning. Today I will teach class 10 geography part, social science, lesson 2, forest and wildlife resources. Forest ecosystem. Forest and wildlife resources. First point, forest ecosystem. Forest ecosystem, kya hai? Forest ecosystem means this entire habitat, यानी कि ये जंगल और उन लोगों के जो संसाधन है वाइल्ड लाइफ में क्या रिसोर्सेस उसके क्या क्या संसाधन है जंगली जो उनके तो जंगल में किस तरीके से उन लोगों का जीवन होता है तो इसके बारे में दिया जैसे फ्लोरा एंड फना फ्लोरा क्या व्हाट इज फ्लोरा व्हाट इज फना तो आगे दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन इम्पेसेस बायोडाइवर्सिटीज ह्यूमन अलॉन्ग विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली ए पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ऑन एग्जिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएटेड द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ वी वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट we cannot survive forest play a key role in the ecological system as these are also the primary features on which our other being living being depend jungle mein agar hum log ke dekha jaye ecosystem yani paristhitiki tantra hota hai jo hamare vatavaran mein ya hamare environment mein jo ecosystem bana hua hai jaise hum jungle mein बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं उन जंगली जानवरों में अगर देखा जाए तो छोटे बड़े रेप्टाइल्स यानी जमीन पर रहने वाले भी कीड़े मकोड़े भी होते हैं तो जंगल में बहुत तरह के वैरायटी विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं तो उसमें जो है अगर ये इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है अगर ये न हो तो जैसे तालाब में मछलियाँ होती हैं मछलियाँ बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ खाती हैं उससे छोटी मछलियाँ उसी को खाती हैं तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है यानी कि अगर ये एक इको बैलेंस बना हुआ है अगर ये हमारे इको सिस्टम नहीं बना होता तो शायद ये बहुत ज़्यादा होता तो ये वातावरण में रहने तो लोग रहने का जैसे छोटे से बड़े अब मनुष्य क्या करता है हम लोग इसमें सर्वाइव कर रहे हैं इसी में रह रहे हैं अगर जैसे मनुष्य क्या करता है मनमेस खाता है तो जानवरों को मार करके खाया जाता है कितने लोग जानवरों को मारते भी रहते हैं जैसे लायन है टाइगर है ये सब क्या करते हैं छोटे जानवरों के भी शिकार करते हैं खाते भी हैं उनके मांसों को तो ये हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है यानी कि हमारे कहने का अर्थ यही है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे बनाया गया है ये यही है कि जो बड़े ही शक्तिशाली हैं वो छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं अगर शायद यह नहीं होता तो कितने सारे ऐसे जानवर हैं जो कि अभी बाहर टहलते रहते तो मनुष्यों का जीवन जो है सर्वाइव करना यह मुश्किल हो जाता है तो इसलिए कहा गया है कि एग्जांपल पर द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएटेड द क्वालिटी ऑफ एयर ब्रीथ जैसे सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है वाटर ब्रीथिंग पानी पीने के लिए चाहिए रेस्टोर दैट प्रोड्यूस द फूड और अगर मिट्टी नहीं है तो हम लोग उस पर कोई भी क्रॉप या फसल नहीं लगा सकते और हम लोग उनको भोजन नहीं मिल सकता और इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते जैसे एयर वाटर और फूड ये तीनों ही मनुष्य के सर्वाइव के लिए जरूरी होता है और वह आवश्यक भी उसके बाद आते हैं फ्लोरा एंड फना फ्लोरा क्या है फ्लोरा मीन्स होता है जिसमें कि प्लांट्स जो है कंसिस्ट होते हैं यानी कि जिसमें कि प्लांट यानी पेड़ पौधे शामिल होते हैं तो द फ्लोरा ऑफ द कंट्री कंसिस्ट ऑफ प्लांट किंगडम ऑफ दैट कंट्री इट कवर्स ट्रीज इन द फॉरेस्ट जैसे पेड़ पौधे जंगल में पेड़ पौधे पूरे होते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं इसीलिए वो जंगल कहा जाता है अदर फ्लोरिंग एंड नॉन फ्लोरिंग ट्रीज ग्रोन बाय मैन ग्रास लैंड सॉफ्ट थिंग्स ईटीसी ये सब जो है जो मनुष्य द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ग्रास लैंड यानी चारा गाह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं और जो फेंस सर्व्स यानी झाड़ियाँ तो ये सब क्या कहलाते हैं फ्लोरा के बारे में जिसमें कि क्या कंसिस्ट होता है प्लांट कंसिस्ट होते हैं शामिल होते हैं फना मीन्स द फना ऑफ द
consist of birds, fish and animals. तो इसमें फना में क्या शामिल होते हैं? Birds, fish and animals. It also included amphibians, reptiles, mammals, small insects and more. ये सब इसमें फना में आते हैं. अब the fauna of India is quite rich and varied. There are about 89,000 species in India. The place of flora and fauna by human activities. हमारे देश में बहुत वैरायटी के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य के कारण जो है, जो मनुष्य की क्रियाकलाप की ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो है, यह धीरे धीरे कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि मैमल्स हैं, जो कि धीरे धीरे समाप्त हो रही है, खत्म हो गए. पहला पॉइंट आता है एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज हैव अफेक्टेड द डिप्लेशन डिप्लेशंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना. कैसे यह ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण खत्म हो गए. पहला पॉइंट आता है ह्यूमन हैड क्लियर द जंगल्स ऑफ देयर ओन लिविंग्स एंड ब्रीडिंग ऑफ देयर एनिमल्स एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेस. मनुष्य अपने लालच बस, अपने ग्रीड के कारण क्या कर रहा है, जंगलों के पेड़ पौधों को साफ करता चला जा रहा है, उसकी सफाई करवाता चला जा रहा है, पेड़ पौधों को काटता चला जा रहा है. किस लिए? कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, हाउस का निर्माण करने के लिए, लकड़ियों की जरूरत के लिए. यानी कि अगर कहीं रेल की पटरी बनानी है, रेल के डिब्बे बनाने हैं, तो वहाँ पर भी लकड़ियों की आवश्यकता होती है, वहाँ भी नेसेसिटी होती है लकड़ियों की. तो उसके काटने के चलते पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं, और इस तरह से जो उसमें रह रहे जंगल में जानवर है, वो सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहते हैं अपने जान को बचाए. Too much destruction of trees and disturbed the ecosystem and created various health problems of the research. सिर्फ इतने नहीं हो रहा है पेड़ पौधों को काटने से, destruction of trees यानी पेड़ पौधों के नष्ट होने से has disturbed the ecosystem. हमारा ecosystem भी disturb हो रहा है, उसका balance भी बिगड़ रहा है. System and created various health problems of the research और health problem भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. दूसरा पॉइंट आता है दैट एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रूव्ड वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ द डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना. द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल. अब जो कॉलोनियल रूल है, वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए एक्सपेंशन एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रूव्ड वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. अब यहाँ पर जहाँ ऐसी स्थिति आ जाती है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे कॉजेज आ जाते हैं, ऐसे कारण भी हैं जहाँ तक कि फ्लोरा फौना जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है या रिक्त हो रही है या समाप्त हो रहे हैं. द ग्रेट डिमांड ऑफ स्लीपर्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज एंड शिप बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल आल्सो इन्फ्लिक्टेड ए ग्रेट डैमेज टू द इंडियन फॉरेस्ट. भारतीय जंगलों को भी इसलिए भी नष्ट किया जा रहा है क्योंकि ये ज़्यादा ज़्यादा डिमांड की जा रही है स्लीपर कोचेस यानी ट्रेन के कोचेस बनाने के लिए, स्लीपर बनाने के लिए, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, सी बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन का हाउसेस बनाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए फॉरेस्ट को साफ किया जा रहा है. तो यह सब कुछ क्या है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा डैमेज है जो कि इको सिस्टम हमारा बिगड़ रहा है. फोर्थ पॉइंट आते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ द ओरिजिनल प्लांट कवर एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय अ सिंगल क्रॉप द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज बीन रिड्यूस्ड एंड अ सिंगल क्रॉप हैज बिकम वल्नरेबल टू पेस्ट एंड डिजीज. और इसका एक और रीजन है कि रिमूवल ऑफ द ओरिजिनल प्लांट कवर द इट्स रिप्लेसमेंट बाय अ सिंगल क्रॉप. और जो ओरिजिनल क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसकी जगह पर वो दूसरे सिंगल क्रॉप्स रिप्लेस कर दिए जा रहे हैं या उनकी जगह उसको लगाए जा रहे हैं, और इस तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो भी कम होती चली जा रही है. द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन लार्ज क्वांटिटी ऑटोमोबाइल गैसेस इन्फ्लेम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज हैव लेड टू द पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. और इस तरह से ईंधन की खपत जो है वह भी बहुत जगहों पर हो रही है, जैसे ऑटोमोबाइल्स है और फॉसिल यानी जो फ्यूल है ईंधन के रूप में निकल रहे हैं जल करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं या गांव हैं ऐसे हैं जहाँ पर की लकड़ियाँ या ईंधन के द्वारा ही चूल्हे पर खाना बनता है,
वहाँ पर भी है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज भी हैं जहाँ पर लकड़ियों को जला करके ही वह संचालित किया जाता है, चलाया जाता है, जिसके कारण उसके फ्यूल्स या धुएँ जो है वह भी नुकसान कर रहे हैं, उससे जो गैसें निकलती हैं वह नुकसान कर रहे हैं, एंड द पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, और दोनों के लिए है जो प्रदूषण फैला रहा है वाटर और एयर दोनों। एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर वेरियस स्पेसिस ऑफ प्लांट्स हैव बिकम इज बिकॉज पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर एडवर्सली अफेक्ट्स प्लांट्स। जो इसका भी एक रिजल्ट होता है एयर और वाटर पॉल्यूशन की वजह से कि पेड़ पौधे भी जो है उससे उसको नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जो एयर और वाटर में जो पॉल्यूशन है उससे पेड़ पौधे भी अफेक्ट हो रहे हैं उसको, क्योंकि पानी इरीगेशन उससे होती है, सिंचाई किया जाता है पेड़ पौधों को या खेतों में डाला जाता है, अगर वो पॉल्यूट है, अगर वो गंदा है, दूषित है, तो वह पेड़ पौधे की जड़ों में हो जाता है, जिससे कि पेड़ पौधे जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उस तरीके से नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए एयर और वाटर दोनों जगह वह प्लांट्स को एफेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों आज फ्लोरा एंड फौना, व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना एंड एक हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज हैव इफेक्टेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सो दिस लेसन वॉज केयरफुली रीड केयरफुली इंडियाज अब नेक्स्ट वीडियोज आई विल टॉच इंडियाज रीड्स फ्लोरा एसिस्ट।